अहम् आदित्यनाथः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। सिर पर भगवा साफा, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और तन पर भगवा। आज से ठीक 25 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की संसद में 26 साल का ये लड़का जब संस्कृत में सांसद पद की शपथ ले रहा था तो संसद में कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, जैसे मानो कोई आम नेता शपथ ले रहा हो। अहम् आदित्यनाथः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। यदहम् भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहम् उद्यमस्मि तस्य कर्तव्यामि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आदित्यनाथ की ये वीडियो साल 1998 की है, जब वो पहली बार महज 26 साल की उम्र में ही यूपी के जिला गोरखपुर से सांसद बने थे। उस दौर में सबसे कम उम्र के सांसद बने योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद को हराया था और 268,428 वोट पाकर सांसद बने थे। इस जीत के बाद जब आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो तमाम नेताओं की तरह हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेने के बजाय हिंदुस्तान की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत में शपथ ली। लेकिन इसके बावजूद सदन में कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उस वक्त शायद ही किसी ने ये बात सोची होगी कि यही भगवाधारी लड़का आगे जाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का कद्दावर चेहरा बन जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही आदित्यनाथ महंत योगी आदित्यनाथ बनकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा। ९९ में ही घर परिवार छोड़कर अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन में कूद गए और फिर इसी दौर के आसपास गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ की शरण में चले गए और यहीं पर तत्कालीन महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और अब वक्त आ गया था जब योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में उतरे, और इसके लिए उन्होंने चुनी गोरखपुर लोकसभा सीट, जहां से उनके गुरु महंत अवैधनाथ सांसद हुआ करते थे। लेकिन साल 1998 में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु की सीट गोरखपुर से टिकट देकर मैदान में उतार दिया और उन्होंने भी इस सीट पर जीत हासिल कर अपने गुरु के सम्मान की रक्षा की। इस जीत के बाद योगी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से जीत हासिल की। आखिरी बार योगी साल 2014 के चुनाव में जीत कर सांसद बने और दुर्भाग्य से इसी साल सितंबर में उनके गुरु अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद गोरक्षनाथ मठ की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई और पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे महंत जुड़ गया। यानी जिस आदित्यनाथ को लोगों ने 1998 में पहली बार आदित्यनाथ के रूप में देखा था, वो साल 2014 में महंत योगी आदित्यनाथ बन गए थे। लगातार 5 बार सांसद के तौर पर संसद में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन पर बीजेपी का भरोसा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से साल 2017 में वो दौर भी आया जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता संभाली और योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे सूबे की जनता को भयमुक्त शासन दे सके। इसीलिए सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी दे दी थी कि सूबे में जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश है, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि बदमाश गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर करते नजर आए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं पर भी योगी सरकार का ऐसा डंडा चला कि अतीक अहमद का खौफ जहां अतीत हो गया, तो वहीं मुख्तार अंसारी भी जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गया। योगी राज में इन माफियाओं के खिलाफ इस कदर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी बाबा का बुलडोजर रौंदने में लगा हुआ है। यूपी को माफिया मुक्त करने में जुटी योगी सरकार पर जनता का भरोसा धीरे धीरे बढ़ता ही गया और साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप दी और अगले 5 साल के लिए सपाई अखिलेश यादव को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठने का काम दे दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी चुनाव जीत कर लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे, बदमाशों के खिलाफ और तगड़ा एक्शन शुरू हुआ। इस बार तो सपाई आजम खान भी लपेटे में आ गए। आजम खान समेत उनके परिवार को भी जेल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, योगी सरकार में आजम परिवार पर लगे केस की इतनी तेज सुनवाई हुई कि एक मामले में दोनों को कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुना दी, जिसकी वजह से पहले आजम खान की विधायकी गई और फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी चली गई। यानी रामपुर जिले से एक तरह से आजम परिवार का वर्चस्व ही खत्म हो गया। इसके बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक मुख्तार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कुछ ही दिनों पहले योगी सरकार की पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी एनकाउंटर में ऊपर पहुंचा दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी का यूपी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए क्यों काल बन गया। बहरहाल 26 साल के आदित्यनाथ आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर एक तरफ जहां जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस गुंडे, बदमाशों को ऊपर पहुंचा रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गुंडे, बदमाशों पर आज के योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है, और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चाहूं और खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, और इस दिशा से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा ना जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि माता बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था, और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022। मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं, कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है, जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है, और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।